थैंक यू विराट कोहली, थैंक यू सो मच। ये जो आपकी 76 का पारी है, ये भारत की क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। और विराट कोहली की ये 76 रन हमें कुछ बातें याद दिलाते हैं। जो परिवार में बड़े होती है वो वाकई में ही बड़े होती है। देखिए दोस्तों, पूरा विश्व कप में विराट कोहली का बल्ला नहीं चला, लेकिन जब फाइनल में पहुंचा, बाकी बल्लेबाज असफल रहे, तब विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और अपनी टीम को जिताया और फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी बना। विराट कोहली 2026 की T20 विश्व कप में 5 बार सिंगल डिजिट में आउट हुई है और पूरे विश्व कप में केवल 75 रन बनाए थे। विराट कोहली के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि विराट कोहली को क्यों लिया गया T20 विश्व कप में, वो अच्छा फॉर्म में नहीं था, लेकिन फाइनल में उन्होंने दिखा दिया। लेकिन रोहित शर्मा ने कहा था, विराट कोहली बड़े मैच की बड़े खिलाड़ी है और अपना बेस्ट फाइनल के लिए संभाल के रखा था, और फाइनल में उन्होंने दिखा दिया कि रोहित शर्मा सही कह रहे थे। विराट कोहली का कद बहुत बड़ा है, अक्सर बड़े खिलाड़ी बड़े मैच में बड़ा प्रदर्शन करके दिखाती है, और विराट कोहली ने फाइनल में 76 रन बनाकर उन्होंने बता दिया कि वो कितने बड़े खिलाड़ी है। दोस्तों, 2026 की T20 विश्व कप की फाइनल में हमने एक परफेक्ट फाइनल मैच देखा। रोहित शर्मा की कप्तानी में विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बनती है, जसप्रीत बुमराह बनते हैं मैन ऑफ द सीरीज और टीम इंडिया ट्रॉफी उठाता है। एक परफेक्ट फाइनल मैच, हमारा सपनों का मैच, टीम इंडिया की सपनों का मैच, भारत की 140 करोड़ जनता की सपनों का मैच। हमें गर्व है रोहित शर्मा पे, हमें गर्व है विराट कोहली पे, हमें गर्व है टीम इंडिया पे। टीम इंडिया को इससे ज्यादा क्या चाहिए था? सारे खिलाड़ी फूट फूट कर रो रहे थे, खुशी का आंसू था सबकी आंखों में, यही बस यही खुशी मुझे चाहिए था। ये मैच मैं पूरा जिंदगी भर नहीं भूल सकता, ये मैच भारत की 140 करोड़ जनता पूरा जिंदगी भर नहीं भूल सकता। टीम इंडिया ने जब ट्रॉफी उठाए तो 140 करोड़ जनता रो रहे थे, ये रो रहे थे जरूर, लेकिन ये आंसू खुशी का आंसू था। तभी विराट कोहली ने कहा, थैंक यू सो मच, मेरा ये आखिरी मैच था, मैं और T20 मैच नहीं खेलूंगा। उसके बाद रोहित शर्मा ने भी कहा, ये मेरा आखिरी मैच था, मैं आगे नहीं खेलूंगा। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी कहा कि ये मेरा T20 का आखिरी मैच था, आगे T20 नहीं खेलूंगा। वो तो दुख था सीने में जरूर, लेकिन जब हाथों में ट्रॉफी हो तब विदाई लेना अलग ही सुखद है। भारत वो देश है जहां पर खिलाड़ी जल्दी रिटायर नहीं होते हैं, लेकिन विराट कोहली ने रिटायरमेंट का फैसला किया नया खिलाड़ियों को मौका देने के लिए। दोस्तों जरा सोचिए, जो खिलाड़ी फाइनल में मैन ऑफ द मैच बनता है वो खिलाड़ी रिटायर हो जाता है, जो खिलाड़ी कप्तान था टीम इंडिया का वो रिटायर हो जाता है, जो खिलाड़ी टीम इंडिया का बेहतरीन ऑलराउंडर है, बल्कि पूरा दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर है, वो रिटायर हो जाता है ट्रॉफी उठाने के बाद। इसका मतलब क्या है? नया खिलाड़ी को मौका देना चाहते हैं ये बड़े दिल की बड़े खिलाड़ी है, क्योंकि टीम इंडिया के पास बहुत सारे प्रतिभा है, जिन प्रतिभा को सिर्फ चाहिए एक मौका। इस बड़े मंच पर जब विराट कोहली ने रिटायरमेंट की घोषणा की तो सारे दुनिया ने सजदा किया विराट कोहली को और कहा, थैंक यू विराट कोहली। विराट कोहली किंग कोहली द रन मशीन, इससे अच्छा इंडिंग तो नहीं हो सकते थे आपका। एक हाथ में है T20 विश्व कप की ट्रॉफी और दूसरा हाथ में है मैन ऑफ द मैच। इस समय अपने रिटायर लिया, आपको सैल्यूट। विराट कोहली ने कहा, किंग कोहली ने कहा कि ये समय है हमारे T20 फॉर्मेट को नए उभरते हुए सितारों के हाथों में देने का, और हमने कहा, दिल से कहा, थैंक यू विराट कोहली। विराट कोहली को खुश होते हुए देखना, विराट और रोहित का तस्वीर एक साथ में देखना, ये तो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आपसे T20 क्रिकेट में विराट का वो एग्रेशन देखने को नहीं मिलेगा, जो एग्रेशन भारत की 140 करोड़ जनता की दिल में हमेशा ही बसेगा। विराट की एग्रेशन बहुत ही कमाल का है, विराट का एग्रेशन देखने लायक है, क्योंकि विकेट तो गेंदबाज लेती है, लेकिन खुशियां विराट की जो होती है ना, वो गेंदबाजों को भी बहुत खुशी देती है, हमें भी खुशी देती है। हम सब जो टीवी पे
मोबाइल पे मैच देखती है, विराट का एग्रेशन कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, क्या एग्रेशन है भाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि विराट का जैसा खिलाड़ी दुनिया में और नहीं जन्मेगा। विराट विराट ही रहेगा, विराट उसका कद इतना बड़ा हो गया कि उनके सामने अब कोई नहीं आ पाएगा। विराट कोहली हर तरह से बल्लेबाजी कर सकते हैं, विराट कोहली हर पोजीशन पे बल्लेबाजी कर सकते हैं, विराट कोहली जैसा कोई नहीं। विराट कोहली है किंग कोहली, विराट कोहली है रन मशीन। विराट की कितनी तारीफ करूं, ऐसा भाषा ही नहीं है मेरे पास कि विराट की तारीफ करके खत्म कर सकूं। विराट ने जो योगदान दिया है भारत को, शायद भारत ने ऐसा बहुत ही अच्छा काम किया होगा जिसकी वजह से विराट कोहली का जन्म इस भारत देश में हुई है। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और अपने बच्चों से जिस तरह से वीडियो कॉल पर बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था एक छोटी बच्चा और एक बच्चे से बात कर रही है। हार्दिक पांड्या का वो रोना, रोहित शर्मा का वो मनाना, विराट कोहली दौड़ते हुए जाकर हग करना, ये कभी भूल नहीं पाएगा पूरा दुनिया। टेस्ट में टीम इंडिया को नंबर वन पर पहुंचाया, ओडीआई में टीम इंडिया को नंबर वन पर पहुंचाया, टी20 में भी टीम इंडिया को नंबर वन पर पहुंचाया, वो था विराट कोहली, केवल विराट कोहली। विराट कोहली जो कर सकता है कोई और नहीं कर सकता। विराट कोहली रन मशीन है, विराट कोहली के अलावा और कोई रन मशीन नहीं बन सकता। विराट कोहली किंग है, विराट के अलावा और कोई किंग नहीं बन सकता। विराट अलग लेवल का बल्लेबाज है, नॉकआउट में फाइनल में विराट कोहली खतरनाक बल्लेबाज बन जाते हैं। विराट कोहली ने जिस तरह से टीम इंडिया के लिए खेला है, जिस तरह से टीम इंडिया को जिताया है, शायद किसी और बल्लेबाज ने जिताया होगा। विराट कोहली ने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो एक खिलाड़ी सपनों में देखती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा स्टेज में जाकर उन्होंने रिटायरमेंट का घोषणा कर दिया। दोस्तों टी20 विश्व कप में अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो विराट कोहली का सबसे ज्यादा रन है, सबसे ज्यादा अर्धशतक विराट कोहली का है, सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच विराट कोहली के पास है, सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज विराट कोहली के पास है, सारे का सारे अवार्ड उनकी नाम है। विराट कोहली सही में किंग कोहली है। और अब विराट कोहली ने अलविदा कह दिया टी20 विश्व कप जीतने की बात। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं।